धर्म की नगरी काशी में सात वार और नौ त्योहार की मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के दिनों में ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन यहाँ विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर में इस पर्व का आयोजन कई अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की भीड़ बुधवार को भरत मिलाप मैदान में उमड़ी थी। काशी के नाटी इमली के भरत मिलाप मैदान पर बुधवार को तिल रखने की जगह नहीं थी। करीब 480 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित नाटी इमली के भरत मिलाप की अलौकिक लीला देखने के लिए सुबह 11 बजे से ही लोगों का जुटान शुरू हो गया था। शाम के समय लीला प्रारंभ होने के पहले ही इलाके की सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक लोगों की भीड़ जुट गई। परंपरा के अनुसार शाम 4:40 पर चारों भाइयों के गले मिलने पर जय श्री राम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। चारों भाइयों के इस नैनाभिराम दृश्य देख लीला स्थल पर उपस्थित हर श्रद्धालु भाव विह्वल हो गया। इनका मानना है कि इस क्षण भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ पात्रों के रूप में दर्शन देते हैं। इसके बाद हजारों यादव बंधु प्रभु राम के साथ भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रथ को लेकर चित्रकूट से अयोध्या की तरफ बढ़ गए। शाही सवारी के साथ पहुंचे कुंवर अनंत नारायण काशी की खास भरत मिलाप लीला को देखने के लिए काशी राज स्टेट के उत्तराधिकारी कुंवर अनंत नारायण सिंह भी अपनी शाही सवारी के साथ लीला स्थल पर पहुंचे। काशी स्टेट के राजा ने पारंपरिक रूप से इस लीला में हिस्सा लिया। इससे पहले शाही सवारी को देखने के लिए वाराणसी के आम लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। नाटी इमली के भरत मिलाप के दौरान कुंवर अनंत नारायण सिंह ने इस बार भी लीला के आयोजकों को सोने की गिन्नी भेंट की। मेघा भगत जी और तुलसीदास जी की अनन्य मुक्तता का परिणाम है कि अपने में निहित आत्मतत्व में परमात्मा दर्शन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सारी मर्यादाओं को चरितार्थ करते हुए जब लौटते हैं अयोध्या, जबकि भरत उपासना करते हैं उनके खड़ों और उसके बाद उत्कट अभिलाषा तपस्या करने के बाद वह विकलता जो है भाई से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, उसकी जो ललित लीला हमें दिखाई पड़ती है वह नाटी इमली का भरत मिलाप है। बहुत ऐतिहासिक समय से ये परंपरा हमारी चली आ रही है और हमारे परिवार से, हमारे घर से भगवान को भोग लगता है, आरती होता है और ये हम लोग न जाने
न जाने हम हमें खुद नहीं याद है, हमारे पिताजी को खुद नहीं याद है कि कितने सालों से परंपरा चली आ रही है हमारी। ये धोती और गंजी ये विशेष परिधान क्यों, कुछ अलग दिखने के लिए? भगवान का चुना हुआ वस्त्र है, उसको हम भी धारण करते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं कि एक उद्देश्य लेके आते हैं कि सभी यादव बंधु सब एक साथ कर्मठ होकर भगवान की सेवा के लिए, भगवान का रथ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं और यहाँ से उठाकर सीधा लौटिया के लिए प्रस्थान करते हैं। दादा पर दादा होते हुए कम से कम 150 बरस से सेवा करते चले आ रहे हैं। किस रूप में करते हैं सेवा? सेवा अपने भाव से करते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हुए कि भगवान 4 दिन स्वयं काशी में विराजमान रहते हैं। इस वजह से भगवान ने ऐसा रहा कि जिस समय ये रामलीला हो रहा था तो उस समय मिट्टी का ये बना हुआ रहा, मिट्टी का बना हुआ रहा, तो भगवान इतना इतना कीचड़ में दौड़ते हुए जाते रहे भरत जी से भेंट करने के। उस जमाने से आप लोग देख रहे हैं जी, आपके परिवार के लोग आ रहे हैं? हमारे परिवार के लोग, हम उसमें पैदे नहीं हुए। आज प्रभु के लिए कुछ विशेष चीज लेके आते हैं आज के दिन आप लोग? हम लोग विशेष लेकर ये आते हैं कि भगवान राम काशी में विराजमान हो रहे हैं, अयोध्या में आए हैं और सबसे खुशी की बात ये है कि हम लोग तन मन धन से हर चीज से उनके लिए अर्पित करते हैं। उसके बाद उनके पुस्तक ईमान को कंधा भी लगाते हैं, कंधा भी लगाते हैं, हम लोग की सौभाग्य की बात है। इस रामलीला से हमारा परिवार 198 वर्ष से छठी पीढ़ी से जुड़ा है। छठी पीढ़ी में हम रामलीला के सेवक हैं, सातवीं पीढ़ी में मेरा लड़का भी सेवा कर रहा है जो व्रत आज विमान पर था। ये 480 वर्ष इस रामलीला को हो गया। संवत 1600 में इस रामलीला का प्रादुर्भाव हुआ और ये 2080 है, 480 वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की रचना से पहले ये रामलीला हो रही है। इस रामलीला का जो आधार है वो वाल्मीकि है, तुलसीदास का नहीं। जब तुलसीदास ने संवत 1631 में इस रामलीला के आरंभ के 31 वर्ष बाद जब रामायण लिखा तब इसका आधार तुलसी की रामायण हुआ। और चूंकि तुलसीदास जी के मित्र थे मेघा भगत, इसलिए उन्होंने इसको तुलसीकृत कराया। सब न हुआ कि तुम काशी में जाओ, चित्रकूट में रामलीला कराओ, भरत मिलाप के दिन हम तुम्हें दर्शन देंगे। उन्होंने दर्शन दिया और मेघा भगत ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। तब से ये लीला चल, तब से लीला चल रही है। इसी राम लीला के मानव रूपी हनुमान सन 1860 में अंग्रेज जिलाधिकारी मैक फर्सन के कहने पर, ललकारने पर 36 हाथ का वरुणा नदी लांग गए थे। इस राम लीला की ये है, मतलब अद्भुत है, अद्भुत है। भूतों न भविष्यति,